बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। 3 दशक तक बिहार और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में शामिल होने वाले बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटों के अलावा भरपूर संपत्ति। अब दुनिया से रुखसत होने वाले भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए हैं और 34 साल से राजनीति में सक्रिय रहने वाले सुशील मोदी ने लोकसभा विधानसभा के दोनों सदनों में कैसे अपनी जगह बनाई, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ तुषार शर्मा। सबसे पहले सुशील मोदी के पास कितनी संपत्ति है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। माई नेता इन्फो के मुताबिक सुशील कुमार मोदी के पास 5 करोड़ की संपत्ति। वे अपने पास कैश कम रखते थे। मौजूदा समय में उनके पास 42,000 रुपए कैश था। उन्होंने 57,470 रुपए की एक LIC इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदी। इसके अलावा उनके पास 5 लाख का सोना था, जबकि उनके बेटों के पास कुल मिलाकर 21 लाख का सोना है। 2019 में चुनाव आयोग को दिए अपने एक हलफनामे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया कि नोएडा में उन्होंने 29 लाख का एक फ्लैट खरीदा था, जबकि उन पर 2019 में 17 लाख का लोन था। सुशील कुमार मोदी के जीवनी की बात की जाए तो इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रत्ना देवी था और उनके पिता का नाम मोतीलाल मोदी था। सुशील कुमार मोदी ने पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और 1973 में बॉटनी ऑनर्स किया। मोदी ने 1987 में जेसी जॉर्ज से इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन शादी की। उनकी पत्नी मुंबई की रहने वाली, पूर्व बीजेपी नेता के 2 बेटे। सुशील मोदी ने क्या बिहार भी बनेगा असम और रिजर्वेशन नाम से 2 किताबें भी लिखी। वे चीन, फ्रांस, हॉलैंड, इसराइल, इटली, मॉरिशस, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएस की यात्रा भी कर चुके हैं। अब कैसे सुशील कुमार मोदी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, ये कहानी आपको जाननी चाहिए। सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक कैरियर की बात करें, 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2004 में वो भागलपुर सीट से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए, लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद सुशील कुमार मोदी को बिहार विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया तो उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया। वहीं 2012 विधान परिषद सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद सुशील कुमार मोदी को 2018 में राज्यसभा भेजा गया था। अब सुशील मोदी ने लोकसभा विधानसभा के दोनों सदनों में कैसे बनाई अपनी जगह, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद सुशील कुमार मोदी बिहार के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यसभा, लोकसभा, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्य रहने की उपलब्धि प्राप्त है। 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सुशील मोदी को माना गया था। बता दें, सुशील कुमार मोदी कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन काफी दिनों तक उन्होंने पार्टी संगठन के शीर्ष नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। बीमारी के बावजूद वे पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे। गले में खराश की जांच कराने पर उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर था। इलाज के बाद जब स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था तो उन्होंने पार्टी को इसकी जानकारी दी। एक्स पर करीब 3 महीने पहले एक पोस्ट में उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए काम न करने की असमर्थता जताई। अब जाते जाते सुशील मोदी के परिवार में कौन कौन है ये भी जान लीजिए। सुशील मोदी के निजी जीवन की बात करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे। पत्नी का नाम डॉक्टर जेशी है जो ईसाई धर्म से। दोनों ने लव मैरिज की थी। जेशी और सुशील मोदी की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। उनकी पत्नी पेशे से प्रोफेसर है और पटना विश्वविद्यालय के वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्राचार्य के पद पर काबिज है। सुशील मोदी और जेशी के 2 बेटे, एक का नाम उत्कर्ष तथागत और दूसरे का अक्षय अमृतांशु। दोनों ही बेटे राजनीति से दूर रहे। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत हिंदी।